नमस्कार दोस्तों, आपके लिए जायकों की तलाश में आज हम आए हैं चांदनी चौक की अंदरून गलियों में लेके एक ऐसा बेहतरीन स्वाद भाई जो चांदनी चौक में बहुत ही मशहूर है। चाट का एक ऐसा जायका यहाँ पे मिलता है जो नॉर्मली आपको कहीं खाने को नहीं मिलेगा, और ये दुकान छोटी सी है लेकिन अपने आप में एक स्वाद की तिजोरी है। आपको चाट बनाने की पूरी प्रोसेस दिखाते हैं, भैया से मिलाते हैं, आइए मेरे साथ। हम आए हैं चांदनी चौक की मशहूर योगेश चाट भंडार पे। पहले तो दुकान देखिए, ये दुकान नहीं जायकों की छोटी सी एक तिजोरी है जो भैया चला रहे हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार जी। भैया पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया, और भैया बताइए क्या है खास अपने पास? हमारे पास है आलू चाट है, फ्रूट चाट है, फ्रूट कुलिया है। योगेश भैया, मैंने वैसे तो आपकी चाट खाई हुई है और लोगों से सुना भी है कि भाई एक चीज़ है कुलिया की चाट जो आपकी सबसे ज़्यादा मशहूर है और कहीं मिलेगी भी नहीं। हाँ जी, सबसे फेमस चीज़ है। सबसे फेमस है। तो योगेश भैया, सबसे पहले तो हम कुलिया की चाट ही बनवाएंगे, आप चाट बनाना शुरू करिए और मैं आपसे बीच बीच में बात करता रहूँगा। भैया सबसे पहले तो ये बताओ, इसका नाम कुलिया की चाट क्यों पड़ा? ये इसकी हम बीच में से घोल करते थे, इसके मारे से कुलिया कहने लगे। अच्छा, आउट हो गए, इसमें होल क्रिएट करेंगे जो कुलिया की तरह बन जाएगा। जाएगी भाई। ये योगेश भैया ने प्रोसेस शुरू कर दी। भैया बताते जाइए इसमें क्या क्या जा रहा है। ये पाइनएप्पल, पाइनएप्पल है जिसको आप कुलिया की शेप में काट रहे हैं। हाँ जी। ये ऑरेंज भी गया, एक टमाटर लिया है भैया ने, और ये आ गई शकरकंदी। हाँ जी, शकरकंदी। योगेश भैया ये बताओ, ये इतनी आर्टिस्टिक चाट बनाने का आइडिया कहाँ से आया? ये दादा के टाइम से ही है, हमारे दादाजी के टाइम से आप खिला रहे हैं। और कितनी पुरानी दुकान है ये? ये कम के होगा 90 साल पुरानी दुकान है हमारी। 90 साल पुरानी दुकान पे आज हम आए हैं। भाई ये देखिए, ये भैया ने सारे फ्रूट्स का प्लेटर लगा रखा है। टमाटर है इसमें, ऑरेंज है, बॉइल्ड आलू रखे हैं, छोले हैं, कुछ मसाले, ये अदरक का लच्छा, और ये मोतियों जैसे अनारदाने। नवरात्रों की स्पेशल चाट भी बनाते हैं? हाँ जी, नवरात्रों की चाट बनती है स्पेशल, फ्रूट चाट बनती है, आलू चाट बनती है, और फ्रूट कुलिया भी बन जाती है। वाह, ये नवरात्रों में खाई जाती है। बहुत ही बढ़िया। ये भैया का छोटा सा मेन्यू है, व्रत की टिक्की है, आलू चाट है, फ्रूट चाट है, और फ्रूट कुलिया है। भाई ये पोस्टर में है, देखते हैं रियलिटी में कैसी लगेगी। योगेश भैया मुझे ये बताओ, 90 साल पुरानी दुकान, इतना बढ़िया जायका, लेकिन आपने इतना छुपा के क्यों रखा हुआ है? भाई क्या करें, ऐसे ये गली के अंदर बैठे हैं। क्या बात है। ये भैया छील रहे हैं पाइनएप्पल। भाई असॉर्टेड फ्रूट्स भी जाते हैं चाट को बनने में। आर्ट देखिए, पाइनएप्पल के स्लाइस को कुलिया की तरह भैया स्कूप आउट कर रहे हैं, और ये स्कूप तैयार हो गया जिसमें मसाले, नींबू का रस, बूरा और अनारदाने डाले जाएंगे। योगेश भैया बहुत ही पेशेंस का काम है, धीरे धीरे किया जाता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही यूनिक। टमाटर में से भी बीज और ये सब स्कूप आउट कर दिया गया है, बहुत ही सुंदर। भाई ये ना बहुत ही सफाई से व्रत की आलू चाट बनाई जा रही है। यहाँ पे भैया ने बॉयल किए हुए आलू कैरामलाइज होने के लिए घी में डाल दिए हैं, और पीछे तैयारी चल रही है कुलिया की चाट बनने की। बहुत ही बढ़िया भाई, ये सही में एक हिडन ट्रेजर है, मैंने ऐसी चाट पहले कभी नहीं खाई। हर फ्रूट का एक एक पीस इसमें आया है, और ये आ गए अनारदाने। अब इसमें आएंगे मसाले। भैया चाट में मसालों का तो असली खेल है, थोड़ा मसालों के बारे में बता दीजिए, ये कौन सा मसाला है? ये दादा के टाइम के मसाले हैं हमारे, पुराने चले आ रहे हैं जी। तो इनकी कुटाई पिसाई छनाई सब घर में? सब घर पे ही होती है। ये आ गया काला नमक, व्रत में ये नहीं डाला जाएगा? नहीं, सेंधा नमक डालते हैं। सेंधा नमक चलेगा व्रत? सब व्रत के अलग होते हैं मसाले, नवरात्रों में मसाले भी अलग हो जाएंगे। ये बूरा आ गया। ये बूरा भाई, इस चाट को बनते हुए देखने का भी अपना अलग ही मजा है। और योगेश भैया बड़ी प्यारी सी स्माइल वेयर करके ये चाट बनाते हैं। भैया वन मैन आर्मी है, अकेले ही सब कुछ? हाँ जी। ये भैया ने नींबू निचोड़ दिया चाट के ऊपर। ये नींबू के रस में अब सारे मसाले मिक्स हो गए। हाँ जी, मिक्स हो गए। ये खटास ना मुझे फील हो रही है देखने से भी। चले
इसके ऊपर आ गए ये चने। तो व्रत की चाट में ये चने नहीं जाएंगे? नहीं, अनार आता है सिर्फ। सिर्फ अनार रहेगा? सिर्फ अनार आता। बहुत बढ़िया। योगेश भाई, इस चाट को बनाने में मेहनत बहुत है, मतलब एक एक प्लेट बिल्कुल इंडिविजुअली और बड़े ध्यान से बनाई जाएगी। स्वाद भी बढ़िया है। अच्छा, स्वाद भी सही है। मतलब अगर 3-4 प्लेट का बैक टू बैक ऑर्डर आ गया तो आधा घंटा तो लगेगा। ये ऑर्डर आया हुआ है अभी। अच्छा, ये भैया के लिए कोई ऑर्डर आया हुआ है जिसका सामान वो कट कर रहे हैं, लेकिन हम बीच में आ गए। तैयारी हो गई दूसरों की। और ये आ गए ऊपर से अदरक के लच्छे। ये तैयार है भैया? इसमें कोई चटनी, कोई दही, कुछ नहीं, सिर्फ फ्रूट्स का स्वाद जाएगा। भाई, ये आ गई हमारी कुलिया की चाट की प्लेट। कलर्स देखिए भाई, अब इसका स्वाद चखते हैं और बताते हैं कैसा है टेस्ट। योगेश भाई, इसे हाथ से ही खाना है, चम्मच नहीं देंगे? क्या बात है भाई। मैंने जो सुना था, चाट का मतलब है जो लास्ट में आपको पत्ता ना चाटने में मजबूर कर दे, क्योंकि चाट का जो स्वाद है ना, उसको लास्ट में पत्ता चाटने से ही आता है। यहाँ पे हम उंगलियाँ चाटनी पड़ेंगी, क्योंकि भैया ने चम्मच भी नहीं दिए। भाई, कलर्स देखिए पहले तो इस प्लेट में। केला है, एक उबला हुआ आलू है, पपीता है, टमाटर है, शकरकंदी है, संतरा है, खीरा है। देखने में बहुत ही सुंदर है। कि हम स्टार्ट करेंगे बनाना से। ये बोट टाइप में बनाना भैया ने काटा हुआ है। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अनफेमिलियर हो। केला भी आपने खाया है, चने भी आपने खाए हैं, अनारदाने भी आप खाते हैं। तो ये जो बाकी कमाल है योगेश भैया के हाथ का और इनके पुराने मसालों का है। चख के बताते हैं कैसा है स्वाद। हियर्स द बाइट। वाओ भाई, जो केले से छोले में डाल के और ये अनारदाने डाल के जो योगेश भैया ने इसमें जो स्वाद उठाया है ना, मैं बता नहीं सकता, डिफाइन नहीं कर सकता। ये इतना टेस्टी, खट्टा मीठा और इतना मसालेदार है ना, ज़बरदस्त स्वाद है ये। नेक्स्ट बाइट में ले रहा हूँ शकरकंदी की, जो उबली भी हुई है और भुनी भी हुई है। भाई, अगर आप चाट खाने के शौकीन है ना, आप दही भल्ले, टिक्की, गोलगप्पे खाते हैं, मेरी स्ट्रांग रिकमेंडेशन है आप एक बार ये वाली चाट खा के देखिए। ये है असली चाट। लिटरली इतने स्ट्रांग फ्लेवर्स हैं, इतना मसाला इसमें डला हुआ है, खट्टा मीठे का इतना अच्छा बैलेंस किया गया है, और फ्रूट्स को बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ किया गया है। ना वो तले गए हैं, ना उन्हें मैरिनेट किया गया है। सिंपल फ्रूट्स में एक पॉकेट स्लाइस की मसाले डाले, नींबू डाला, बूरा डाली, ज़ीरा डाला, ऊपर से अदरक के लच्छे डाले, इसको सजाया और दे दिया ये बेहतरीन स्वाद। मैं इस प्लेट को फिनिश करता हूँ और वापस आपको मिलाते हैं योगेश भैया से। योगेश भैया, हमने खाई आपकी कुलिया की चाट और भाई सच में ना बहुत ही यूनिक था, मज़ा आ गया। हाँ जी, बहुत बढ़िया होती है आपकी चाट भैया। आपने जितनी पेशेंस से उसको बनाया, एक एक फ्रूट को जो कर रहे हो ना, वो देखने का भी अपना ही मज़ा है। तो योगेश भैया, हमारे व्यूअर्स को अगर यहाँ पे आना हो तो अपनी लोकेशन प्लीज़ बता दीजिए। ये हमारा पूछा पातीराम बाजार सीताराम। योगेश चाट भंडार है, दुकान नंबर 514, पूछा पातीराम, सीताराम बाजार में, चांदनी चौक। और योगेश भैया, टाइमिंग्स अपनी? ये 2 बजे से 10 बजे तक। और कोई छुट्टी भी है? छुट्टी कोई नहीं है। तो भाई, कोई छुट्टी नहीं है और नवरात्रे भी स्टार्ट हो चुके हैं। नवरात्रों के लिए बढ़िया आलू चाट, ये बहुत ही यूनिक कुलिया चाट और भैया की व्रत की टिक्की खाने के लिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, आप एक बार आ जाइए योगेश चाट भंडार पे, आप ये स्वाद भूल नहीं पाएंगे। एंजॉय।